गुरु महाराज जी हमारे पीछे हैं। सो कितने लोगों ने अभी तक पीछे देखा है गुरु महाराज जी का जो लेक्चर्स के ऊपर किताब है, गुरु महाराज की किताब है यहाँ पर। इंग्लिश में 9 books, स्मॉल बुक्स, हिंदी में 6 books हैं। और लास्ट ईयर कॉन्वर्सेशंस विद द सेंट शिला प्रभुपाद जी के, उनके जो वार्तालाप, उसका एक किताब, आज 2nd volume भी उसका रिलीज हुआ है। सो हम लोगों को अभी गुरु महाराज जी यहाँ से ज़्यादा उधर ज़्यादा हैं, तो दिल्ली के भक्त लोग बताते हैं गुरु महाराज जी का जो इंस्ट्रक्शन हम सब के लिए क्या है कि प्रभुपाद जी का लेक्चर कम से कम एक, गुरु महाराज जी का लेक्चर कम से कम एक PT सुनना चाहिए बाकी सब के अलावा। तो उनके लेक्चर्स और वो सब किताब हैं। और बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो जून अभी जो करंट लेटेस्ट, वो स्पेसिफिकली इस होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज के ऊपर है, तो पीछे देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में है। और विशेष रूप से मुंबई के भक्तों ने 7500 एक्स्ट्रा कॉपीज हमारे लिए इस बारी छपवाया है, तो हम सबके पास वो होना चाहिए। सो प्लीज टेक दैट बुक, और यहाँ पर डोनेशन भी है। सो हमारे वॉट एवर इज आवर कैपेसिटी आज की तारीख में गुरु महाराज को देना चाहिए सब चीज़। तो नॉर्मली हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए मेरे को सोचा कि पहले उसका स्मरण भूलने से पहले करूं। गुरु महाराज जी अगर देखेंगे अनेक गुण हैं। शिला प्रभुपाद जी का एक स्पेसिफिक मूड जो डिवोटी केयर के बारे में बात कर रहे थे, तो शिला प्रभुपाद जी का वो मूड गुरु महाराज जी ने पूरा ऐसा लिया है। नहीं तो वृंदावन दिल्ली और गुरु महाराज जी का जो 5th-6th May को देखेंगे, इट वॉज लाइक ओशन। कितने लोग अभी भी कोई वीडियोस देख सकते हैं, तो फिर कितने लोग आए हैं, ऐसे कैसा, ऐसा क्या किया गुरु महाराज के अंदर, ऐसा क्या है। तो गुरु महाराज जी का अपने शिष्य उतना ही नहीं, गुरु महाराज जी के गुरु भाइयों का शिष्य वो भी ऐसे गुणगान कर रहे हैं, उतना ही नहीं, गुरु महाराज जी का जो गुरु भाई और गुरु बहन वो भी, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। तो वृंदावन में हमने सुना है कई श्री प्रभुपाद जी के शिष्य उसी समय गुरु महाराज जी का आभार प्रकट कर रहे थे, गुरु महाराज जी ने हमें यहाँ पर शरण दिया करके। कौन बोलते हैं ऐसा, ये सच है। गुरु महाराज जी हमेशा यहाँ पर भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में कभी भी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं, कभी भी गुरु महाराज जी कॉल आता है और उनको मिलने आते हैं, उनको डेफिनेटली मिलने आते हैं, तो रेगुलरली कॉल करके पूछते हैं। ये भाव जो है इस होलीनेस जो श्रील प्रभुपाद जी का जो भाव है गुरु महाराज जी ने लिया है। अभी आज जुहू में फर्स्ट टाइम सुन रहा था, डिड नॉट नो कि हिज ग्रेस विजयते प्रभु एंड आर्य माता जी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो मैं पहली बार उनका सुन रहा था। मैं तो प्रभु बता रहे थे कि वो कौन थे, फर्स्ट शिष्य राधा रास बिहारी का पूरा मंदिर भी बना नहीं था उस समय, वो पुजारी तो वो अपना इंट्रैक्शन बता रहे थे। जब दिल्ली में थे महाराज के अंडर सेवा कर रहे थे, तो गृहस्थ लोग थे लेकिन वहाँ रहने का जगह नहीं था, तो फिर उनकी वाइफ अलग और ये गुरु महाराज जी के साथ एक 5 people in 1 room, ठीक है, और एक सिंक। बता रहे थे कि गुरु महाराज जी से फास्टेस्ट जो शेव करने में रेडी होने में मंगल आरती के लिए पूरा एवरीडे नंबर 1 फटाफट। तो बोलते ये सब सीखा है। तो गुरु महाराज जी ने उस समय उनको, एक पुजारी थे, एक उनको इंस्ट्रक्शन दिया, क्या इंस्ट्रक्शन था कि ये विग्रह जो है वहाँ पर दिल्ली में भी ऐसा ही है कि मंदिर पहले एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट, उसके बाद अभी तो बड़े मंदिर में विराजमान है। तो उस समय लाजपत नगर में मुंह करने वाले थे, उनको बोला था कि ये अगले दिन धूमधाम से नगर संकीर्तन करते हुए ले जाना। तो लेकिन वहाँ पर सड़क वो सब इतना पतला था तो पॉसिबल नहीं था,
तो विजेता प्रभु विजेता प्रभु और दूसरे वृंदावन के पुजारी से कंसल्ट किया। उन्होंने क्या किया, रात ही रात विग्रह को सुबह तक चुप शिफ्ट कर दिया नए जगह पर। तो सुबह भक्त लोग आके कटन खोला तो इधर विग्रह है, किधर गए, नए जगह पे चले गए। तो गुरु महाराज जब आए तो फिर ये सब घबराए हुए थे कि अब तो डांट पड़ेगा क्या है। गुरु महाराज शांति से आलिंगन किया, जो भी किया अच्छा है। सेइंग कि गुरु महाराज को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी परिस्थिति के अनुसार जो उनको गुरु भाइयों का आदर करना बहुत बहुत सब। सेम चीज उनकी वाइफ बता रही थी कि वो उदास होके एक बारी वहां पर बैठी थी, गुरु महाराज दर्शन करके जा रहे थे तो रोती हुई, क्यों क्यों रो रहे हो माता? तो माता ने बोला कि ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए कुछ है नहीं, तुरंत व्यवस्था किया। तो उस समय देखिए कि माताएं और ये सब क्यों रोती थी, ऐसे परिस्थिति था उस समय, ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए सम्मान नहीं था। ऐसे ऐसे परिस्थितियों, अभी तो हमारे पास तो सब कुछ, इतना बड़ा मंदिर है, ये सब है, लेकिन उस समय शिल प्रभुपाद के जो शिष्य ऐसे ऐसे परिस्थिति में गुजर रहे थे। एक और प्रसंग कि इस ग्रेस बीमा प्रभु बता रहे थे कि गुरु महाराज का ये था वृंदावन जो टेंपल है, कृष्ण बलराम मंदिर बनना था, वहां पर तीन जो मेन वहां पर देखभाल करते थे, सुरभि प्रभु जो आर्किटेक्ट वहां के वो मेन थे, उनके साथ इस होलीनेस तमल कृष्ण गोस्वामी एंड भवानंद प्रभु, सो तीनों थे, लेकिन तीनों के बीच में कोऑपरेशन नहीं था। तो सुरभि प्रभु इतने नाराज हो गए, बोला कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन यहां पर टेंपल तो बनाना था, तो महाराज ने कॉल लिया, सब लोग सीनियर हैं, महाराज ने कॉल लिया कि तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज एंड जो भवानंद प्रभु दे गो अवे फ्रॉम देयर, बाकी सुरभि प्रभु रहे, ऐसा कॉल लिया। क्यों, कुछ दिनों में मंदिर पूरा होना था, तो महाराज ऐसा कॉल लेने के बाद वहां तक खत्म नहीं हुआ। बीमा प्रभु बता रहे थे कि उसका नतीजा क्या हुआ, तब तक महाराज जी पूरे इंडिया का जीबीसी इंक्लूडिंग जुहू मायापुर मीटिंग नेक्स्ट हुआ, मायापुर मीटिंग में गुरु महाराज जी को जीबीसी जुहू से हटाया। ठीक है, गुरु महाराज ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ, बोला कि कनाडा भेज दिया हमको। तो कनाडा गए उस समय एंड वहां पर अभी तक कनाडा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तन लिस्ट में कुछ नहीं आता था, कभी भी न्यूज़लेटर में कोई भी मॉन्ट्रियल हो के कोई भी नाम नहीं आता था। जैसे गुरु महाराज गए संकीर्तन न्यूज़लेटर में उनका नाम और बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा हो गया, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो गुरु महाराज देखेंगे कि यहाँ पर इससे हमें क्या समझ में आता है, किसी परिस्थिति में वो अपने लिए कुछ होने, वेरी वेरी सिंसियरली गुरु भाइयों का आदर करते हैं, जो जीबीसी का आदेश है चलो मेरे को इधर छोड़ना है छोड़ते हैं, अटैच नहीं रहते। और इस ग्रेस ब्रजहरी प्रभु बता रहे थे 2018 सो जीबीसी मीटिंग चल रहा था, जीबीसी मीटिंग में गुरु महाराज को कुछ बोलना था, कुछ कमेंट करना था, कुछ बोलना था, तो गुरु महाराज ऊपर इतना हाथ नहीं उठा सकते, गुरु महाराज ऐसे ऐसे करते थे, तो खरीद काफी देर से खड़े रहे थे, जो उस समय के जो चेयर जो इंडियन बॉडी नहीं था, दूसरे कोई थे, तो उन्होंने रिकग्नाइज किया नहीं किया है या देखा, इंटेंशन नो बडी नोस। सो थोड़ी देर के बाद इस होलीनेस भक्तिचारू स्वामी महाराज बहुत गुस्से से इधर से
चेयरमैन को बोला, डांटा। क्या डांटा है? कौन है? इज अ सीनियर मोस्ट जीपीसी मेंबर हियर। अभी बोलने के लिए कितने देर से वो कह रहे हैं, आप मौका नहीं दे रहे, व्हाट डू यू थिंक यू आर, ऐसे डांटा। फिर उसके बाद उनको माफी मांग के वो सब बुलवा दिए। इसके बाद क्या हो सकता है, बोली मीटिंग जैसे खत्म हो रहा है, गुरु महाराज उठे, उनके पास बैठ के उनको हाथ पकड़ा, बोला मेरे वजह से आपको आज डांट पड़ा है, सबके सामने माफी चाहता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी करके। ये गुरु महाराज। गुरु महाराज की इच्छा थी अभी दिल्ली में श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद जी का इंस्टॉलेशन हो गया है, लेकिन ये इच्छा गुरु महाराज को बहुत पहले विग्रह भी आ चुके थे, लेकिन स्थापना नहीं हुआ था। तो उस समय ये पता था हिज होलीनेस भक्त स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज को, तो वो मायापुर जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर टी सिंह, तो मणिपुर में बहुत सारे ये जो आटंकाएं थी, तो महाराज ने डायरेक्टली महाराज से पूछा कि आप वो विग्रह हमें दे सकते हैं, तो महाराज ने बोला कि नो प्रॉब्लम, तुरंत शिफ्ट कर दिया। तो हिज ग्रेस मुकुंद माधव प्रभु बता रहे थे, उनके शिष्य हैं, कि जब इस होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज का जो डिसअपीयरेंस हुआ था, उस समय महाराज ने पूरा अरेंजमेंट किया है रिसीव करने में, बॉडी में हर एक जितने भी उनके गुरु भाई हैं उन सब को इतना देखभाल करते हैं, उतना ही नहीं। उसके बाद वो ये बता रहे थे कि पूछ रहे थे कि समाधि बन गया क्या, समाधि बराबर बना है कि नहीं, लेकिन आपस में कुछ डिफरेंस के कारण वो डिले हो रहा था। गुरु महाराज ने तुरंत मुकुंद माधव प्रभु को बोला कि गुरु का कार्य फर्स्ट होता है, सबसे पहले वो करो, बाकी कोई भी करे, कोई भी पूछे, टेल अबाउट मी, बस जाके करो उसको। उसके बाद उन्होंने किया। तो ऐसा देखेंगे गुरु महाराज का जो गुरु भाइयों का जो देखभाल, हाँ उनके शिष्य तो ठीक है देखभाल करेंगे, बाकी शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्यों के शिष्य वो भी देखभाल करेंगे, वो सब हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके आपस में कितना प्रेम है। आज हिज होलीनेस राजनाथ स्वामी महाराज, मैंने सुना नहीं लेकिन भक्तों का मैसेज आया तो उसमें पढ़ रहा था मैं, सो महाराज के ग्लोरिफिकेशन में बता रहे थे, उन्होंने महाराज को एक बार एयरपोर्ट में रिसीव किया है और उनको कुछ सेवा करने का मौका मिला है। उस समय होलीनेस राजनाथ स्वामी महाराज ने उनको समोसा बना के खिलाया था, तो वो अभी भी जब भी मिलते हैं तो उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। अभी सोचते हैं छोटा सा भी चीज होता है। तो जब ये सब से देख सकते हैं कि महाराज को भक्तों से कितना प्रेम है। यहाँ पर जीबीसी मीटिंग जब वाडा में हुआ था, यहाँ से वाडा जाने के लिए 2 घंटा, वापस आने के लिए 2 घंटा, वहाँ पर पूरा दिन मीटिंग, सुबह मंगल आरती के बाद जाते थे, फिर रात को लेट आते थे, फिर जाते थे। मैं सोचा रहे क्या है, ऐसा क्या है, उधर क्यों नहीं रहते, लेकिन इधर आके भक्तों से मिलते थे। तो वो 7 days to 8 days मीरा रोड के लिए बहुत अच्छा था, लेट नाइट भक्तों से मिलते थे आके, क्योंकि भक्तों से मिलना उनको इतना पसंद था, इसलिए रेस्ट नहीं लेते थे, मिलना होता था। अभी महाराज जी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इधर उनको फर्स्ट टाइम ये कोविड सेटल हो रहा था, तो उनको बाहर विदेश जाना था, तो हमने प्रबंध लगा दिया। क्या प्रबंध लगाया, तो बाकी किसी भक्तों से मिलना नहीं, ओनली जो नेसेसरी वो भी 1 मीटर डिस्टेंस से मास्क पहन के मिलेंगे। तो महाराज जी भी मान गए उस समय,
लेकिन जूह जाने के बाद हमारे ऊपर कंप्लेंट आया। पता क्या कंप्लेंट है? मीरा रोड में मेरे इतने सारे भक्त हैं, किस काम के, कोई भी नहीं आया मेरे से मिलने। अभी क्या बोलेंगे? तो महाराज जी इसलिए वेट कर रहे होते हैं भक्तों से, उनका प्रेम भक्तों में केवल ये लास्ट चीज, इसके बाद में कहने के लिए बहुत होता है, लेकिन बहुत भक्तों हैं, पहले भी बोला था मैंने। ओवरनाइट किसी को रिसीव करने के लिए मैं जुहू गया था, रात को रुका था उधर रिसीव करने के बाद और एयरपोर्ट से, उसके बाद मंगल आरती अटेंड करके मेरे को वापस काम के लिए आना था। राउंड करके थोड़ा जपा करके 6:30 तो मंगल आरती में महाराज जी को दर्शन किया आल्टर पे, तो मैं रुक के मिला नहीं जाके उधर, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं करना। सो ऐसा नीचे आया, गाड़ी में बैठ रहा था, उस समय सामने से गुरु महाराज वॉकिंग के लिए आ गए, सामने से देख लिए। सो मैं जाके प्रणाम किया, गुरु महाराज ऐसे बोलने लगे, आई वॉज हियर ओनली। मैं क्या बोलूँ राजी, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना था इसलिए नहीं आया, ये इतना प्रेम है। तो गुरु महाराज आज भी हमारे बीच में हैं, अभी एटलीस्ट पर्सनली फॉर मी, जब थे फिजिकली तो उस समय मेरे को इतना उनका जो वैल्यू बिल्कुल नहीं पता था, आई एम टेलिंग, लेकिन अभी उनका जो लेक्चर्स, उनका जो भक्तों का हृदय में जो बसे हैं, वो सब सुन के गुरु महाराज के नज़दीक मैं ज़्यादा हूँ अभी, पहले नहीं था मैं। सो आज गुरु महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ, उनके जो शिक्षाएं खुद प्रैक्टिस करूं और दूसरों को प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करवाऊँ। और गुरु महाराज जी का विशेष रूप से बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर भी 2500 बुक्स का इस बारी मैराथन में कंप्लीट करने का टारगेट लेता हूँ। हरि बोल, श्री भगवत पाद की जय। तो सबसे ज्यादा गुरु महाराज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पसंद है, और आज आप गुरु महाराज को अपना स्कोर कितना करेंगे तो कृष्णानंदन प्रभु आप लिखते रहिए कौन कितना जितना बोल रहा है। ऐसे रिकॉर्डिंग हो रहा है, डोंट वरी। सो मैं गरुड़ प्रभु से निवेदन करूंगा, उसके बाद में शुद्ध सेवक प्रभु तैयार रहिए, और उसके बाद कृष्णानंदन प्रभु आप तैयार। गरुड़ प्रभु तो आप सब परिचय जानते ही है, गरुड़ प्रभु भी 1988 से राधा गिरधारी से जुड़े हुए हैं, और बहुत पहले से सभी सीनियर वक्त सब लोग जब सेवा करते थे, जब कुछ नहीं था जो परिस्थिति में, उस समय से फूड फॉर लाइफ प्रसादम का सेवा करते थे। अभी वृंदावन चले गए तो हम लोग सब नाराज है, तो देखते हैं आज क्या बोलते हैं, इधर रुक जाने के लिए हम बोल रहे हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्दे गोपाल कृष्ण गोस्वामी तिनामी प्रभुपादस्य साहित्यं यत् प्रकाश वितरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्ण, श्रील भगवत्पाद महाराज की जय। जुहू में हम गए थे तो शालिग्राम प्रभु ने जो अभी सुनाया 3-4 प्रसंग, वो इंग्लिश में जो बोले थे भगत लोग, लेकिन सब तालियां बजाते थे, लेकिन हमको तो क्या, इसके साथ में हमको भी तालियां बजाना, क्योंकि हम तो समझते नहीं, जब ये लोग हंसते तब हम ही हंसते थे, 2-4 लोग ही हिंदी में बोले। अच्छा हुआ प्रभु जी ने ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन इधर हो गया और अच्छा हमको सुनना मिला। अच्छा दूसरी बात, जब लोकाजिक प्रभु ने वृंदावन की बात किया तो बहुत सारे लोग मेरे सामने देखने लगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वृंदावन में भी हम, प्रभु जी बोले कि आराम से भजन करेंगे, ऐसा नहीं, हम भी महीने में 30 दिन में 2-4 बार, कोई बॉम्बे से, कोई भावनगर, कोई सूरत से, बहुत सारे लोग आते हैं,
यात्रा करने के लिए, तो हम उसको यात्रा कराते हैं, उसका रूम बुकिंग करते हैं, उसको सभी जगह पे स्थान में घुमाते हैं, थोड़ा बहुत मेरी बुद्धि के अनुसार हम समझाते थे। और बाद में जब जाते हैं तब हम जो बॉम्बे वाला हो उसको बोलते हैं कि आप मेरठ मंदिर में जाना और उधर गिरधारी, जो भी इधर गिरधारी ने लीला किया है वही गिरधारी मेरठ में विराजमान है। सूरतवासी होता है तो सूरत मंदिर भेजते हैं, और भावनगर वाले होते हैं तो भावनगर मंदिर में, वही तीन लोग ही हमारे पास आता है। तो इसी प्रकार हम भी थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, और 20-25% तो इधर ही हूँ, ये तो आप जानते हैं कभी कभी। तो दूसरा अभी थोड़ा शुरुआत करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले। जिस प्रकार प्रभुपाद महाराज ने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की गौरवाणी प्रचारिणी, जो इसका श्लोक में आते हैं प्रभुपाद जी के, कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रभुपाद महाराज ने किया, जो हम पहले नहीं जानते थे महाप्रभु, बहुत सारे कम जानते हो, बहुत सारे लोग ही जानते होंगे, क्योंकि वो तो बंगाल में प्रकट हुए, बंगाली लोग ही जानते थे जा जा करके, बाकी कोई महाप्रभु को जानते नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद महाराज ने इतना प्रचार किया महाप्रभु विषय, पूरे संसार के लोग महाप्रभु को जान गए, वो है प्रभुपाद महाराज की महिमा। तो बाद में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को श्लोक में आते हैं कि नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम ने प्रभुपादाश्य साहित्यम, जो प्रभुपाद ने लिखा, भागवतम लिखा, गीता लिखा और बहुत सारे छोटे मोटे पुस्तक लिखे, उसका किसको दिया जिम्मेदारी? परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने। तो उसी प्रकार प्रभुपाद महाराज ने अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु का प्रचार किया, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद ने लिखे हुए जो पुस्तक है, वो पुस्तक जो कि हजारों हजारों संख्या में, ऐसे मैंने सुना है भक्त से कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक वितरण, पुस्तक वितरण हुआ है तो इस्कॉन द्वारा। कहते हैं कि 67 करोड़ बुक इस्कॉन द्वारा वितरित हुआ है, वो श्रेय जाता है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज द्वारा, क्योंकि वही बीबीटी के इंचार्ज है। प्रभुपाद महाराज ने जीबीसी बनाया, ब्यूरो का मेंबर बनाया, और बीबीटी का इंचार्ज भी बनाया। उसी प्रकार गोपाल कृष्ण महाराज ने एक प्रभुपाद महाराज के पास कोई एक भगवद गीता का सेट जब बेच के आते थे, प्रचार करके आते थे, देते किसी को, तो प्रभुपाद महाराज खूब प्रसन्न होते हैं, खूब राजी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन गोपाल कृष्ण महाराज अपने गुरु महाराज एक दिन में 3 सेट बिक के आया, दे के आया किसी को, और प्रभुपाद महाराज को मालूम पड़ा कि गोपाल कृष्ण महाराज ने 3 सेट प्रचार किया है। तब प्रभुपाद महाराज इतना प्रसन्न हो गए कि अपने हाथ से घड़ी निकाल के परम पूज्य गोपाल महाराज को, गोपाल कृष्ण महाराज को दे दिया। तो इसी प्रकार, और प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज का, गुरु महाराज का एक छोटा सा मेरे को अनुभव हुआ। एक बार मैं मंगल आरती के बाद जप कर रहा था मंदिर में, तो एक भक्त आया, क्योंकि महाराज को जाना था वॉकिंग करने के लिए, तो उसका ड्राइवर किधर उधर उधर गया होगा, महाराज इधर नाइट रुके थे, तो मेरे को बोला कि आप चलिए आपके गाड़ी में महाराज को लेके जाना है। तो मैं तो हरूप फदोड़ा होकर गया दौड़ा दौड़, लेकिन गया उत्साह से गया, और महाराज उतरे लिप से, मैं गाड़ी खोल के दरवाजा खोल के रखा, साथ में एक दो भक्त भी थे। महाराज मेरे को बोला चलाना आता है, मैं बोला महाराज चला लेता हूँ, लेकिन महाराज का छाल बिछाया सीट पर, और मैं तुरंत महाराज बैठे और मैं बैठे, तो महाराज का वाइब्रेशन मेरे को धुझारी आ गया,
अरे मैं बोला ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने कभी महाराज के नजीक में ऐसा भी मिलने के लिए जाए तो अभी हमारा हृदय धबक धबक हो जाता है, तो ये तो बगल में आके बैठ गया। तो इतना गेट के बाहर गाड़ी तो निकाला, लेकिन जब ब्रेक मारना होता तो वो हो जाता है और बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो तकलीफ, महाराज ऐसा हिल जाता है। तो इसी प्रकार महाराज कुछ ऐसा ज़्यादा करके बोला नहीं, ये जो स्टेशन के पास जो गार्डन है उधर महाराज उतरे और बाद में तुरंत उसका आशीर्वाद को बोला, अपने ड्राइवर को बोला लेना आप गाड़ी को। लेकिन इसमें महाराज बहुत फिर भी हमको कुछ बोला नहीं, महाराज को प्रॉब्लम कुछ तकलीफ तो हुआ, लेकिन जब भक्ति की कोई साधना की बात आती है तब महाराज डांटते हैं। हमने दीक्षा तो लिया 88 में और बाद में हम थोड़ा दिन के बाद दो चार लोग महाराज को मिलने के लिए गए जुहू में गए, महाराज दर्शन दिए और महाराज पूछ रहे थे कि सभी का जप तो हो रहा है ना। तो मेरे ही बीच में को गर्भ फुरदुड़ा बैठा था, वो बोला महाराज हम ट्रेन में कर लेते हैं। अरे महाराज बोला, अरे मैं गलत दीक्षा दे दिया आप लोगों को, ट्रेन में करने के लिए दिया था मैं दीक्षा, बाद में मैं बाहर आके मैं उसको बोला अरे मूंगा रहता आवड़े कि नहीं करना। तो इसी प्रकार ये अनुभव है। और दूसरा एक ब्रह्मचारी दिल्ली का, उसका मुख से सुन रहा था मैं, महाराज पहली बार वो महाराज के साथ में गए थे, वो भी वॉकिंग के लिए महाराज के साथ में गए, तो उसको मालूम नहीं था कि महाराज ये टाइम पे दवा लेते हैं, ये सब कुछ मालूम नहीं था। तो साथ में गए 10-15 मिनट चलकर बाद में तुरंत जब चलना हुआ तो महाराज उसका जो साथ में था ब्रह्मचारी उसको बोले आप दवाई लेके आए, तो बोला नहीं महाराज नहीं लाया। अच्छा तो आपको दौड़ना आता है? तो जी महाराज। जाओ दौड़ के लेके आओ। लेके आया दवा, दौड़ के लेके आया और बाद में महाराज बोला अच्छा दवा लेके आया, पानी लाया? तो बोला नहीं महाराज। तो जाओ पानी लेके आओ, दौड़ना आता है? हाँ दौड़ना तो आता है महाराज। तो पानी लेने के लिए गया तो रास्ते में किधर बिसलेरी लेके आया, तो महाराज को दिया। अरे महाराज बोला मैं ये पानी नहीं पीता हूँ, मेरा पानी गर्म अलग से होता है। तो ठीक है दौड़ना आता है, जाओ पानी लेके आओ। तो इसी प्रकार महाराज का ये अलग प्रकार का, अनेक प्रकार का अनुभव भक्त लोग को होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।